डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विथ पोयम थर्ड, द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वाइट विटमैन। Now, before proceeding with the poem, I would like to discuss the title. The poet is using the device of personification in this poem. Let us move ahead. And who are thou? Said I to the soft falling shower. Said I to the soft falling shower. Here said I means it is the voice of the poet. Said I means the voice of poet. Poet इस हल्की हल्की बारिश से कहता है, तुम कौन हो? प्लीज रिमेम्बर, सेड आई इज हियर इज द वॉइस ऑफ द पॉइंट। वी स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। व्हाट वाज द आंसर? Answer was, I am the poem of the earth. Here, the poem of the earth. Poem of earth means the voice of the rain. The voice of the rain. I am the poem of the earth. Yani main is कायनात की पोइम हूँ, कवि हूँ, शायरी हूँ। एटर्नल आई राइज, एटर्नल आई राइज, इम्पेलिपेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो मेरी खासियत ये है कि मुझे कोई छू नहीं सकता है। Nobody can touch me, but only feel bottomless sea. यहाँ इस लाइन का ये मतलब है कि जब मैं आसमान में चली जाती हूँ तो मेरा फॉर्म जो है वो चेंज होता है। मैं फिर बादल बन जाती हूँ, फिर मैं पानी की बूंद बनकर बरसती हूँ। पहले मैं बादल बनती हूँ, बादल से मैं पानी की बूंद बनती हूँ, फिर मैं समंदर में चली जाती हूँ, फिर वहां से एवापरेट होती हूँ। तो एवापरेशन के बाद मैं फिर पानी की बूंद बन जाती हूँ, बादल बनकर बरसती हूँ। हियर बॉटमलेस सी gives us evaporation concept. यहाँ पर हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स है, वो ज़्यादा समझ सकते हैं इस बात को कि पानी कैसे एवापरेट होता है, फिर बादल बन जाते हैं, बादल से फिर पानी की बूंद की शक्ल में गिरते हैं। And yet the same, और मेरा जो ये साइकिल है, वाटर साइकिल, रिसाइकल जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल चेंज होता है। देन आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। The rain tells the poet
that it rises above the sky in the form of vapors and condenses into water droplets. इसका मतलब ये है कि मैं कहाँ आसमान में चली जाती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसके बाद कंडेंसेशन होती है तो उसके बाद मैं वाटर में तब्दील होती हूँ. एंड द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट एंड टू वॉश द डस्ट, और मैं लाइफ देती हूँ, मैं जिंदगी देती हूँ सीडों को, एंड गिव लाइफ टू सीड्स. मेरी वजह से जो मदरलैंड है उसकी खूबसूरती है, बिकॉज ऑफ माई एग्जिस्टेंस द ब्यूटी ऑफ द आवर मदरलैंड एग्जिस्ट्स. देन हियर इज अनदर लाइन स्टैंजा, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, record or unrecord, duly with love returns. This is a beautiful line, and in these lines the poet tells us that rain, wandering, yani iska kaam hi yahi hai, girna, barish barsana. तो कोई इसको लाइक करे या न करे, लेकिन इसका काम ही यही है, इसको पसंद करे कोई या न करे, इसको कोई सराहे या न सराहे, इसको कोई लाइक करे या न लाइक करे. तो यहाँ पर द पॉइंट ऑब्जर्व्स दैट द लाइफ ऑफ द रेन is similar to that of a song. जिस तरह से दोनों की जो एक ही खासियत है, जिस तरह से एक शायर की खासियत है वो उसके उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो दिल से गाता है, तो इसी तरह से रैन की जो लाइफ है उसकी भी वही खासियत है. शायर शायरी करता है लेकिन उसकी शायरी कोई पसंद करे या न करे, क्योंकि एक शायर की कोई सरहद नहीं होती है, उसकी शायरी को कोई लाइक करे या न लाइक करे, फिर भी वो शायरी करता है. सेम इज द केस विथ दिस रेन, वो तो बूंद की शक्ल इख्तियार करती है, उस बारिश को कोई पसंद करे या न करे, लेकिन उसका काम ही बारिश बरसाना. तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. वियर मास्क एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.